أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। अजीज़ नाजरीन, आप सबको हमारे मासम इस्लामिक क्रिएशंस यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज का इस वीडियो शुरू करने से पहले हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा मुख्तलिफ तसव्वुरात जैसे सेहत और खूबसूरती का राज, अमल और अमलियात के मालूमात, इस्लामी दिलचस्पी वाकियात और बयानात, बहुत ही नायाब मसाइल और वज़ाइफ, इस्लामी मुतालुक सवाल और जवाब, सिर्फ इतना ही नहीं और भी बहुत कुछ नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। अज़ीज़ नाज़रीन, आज के इस वीडियो में बहुत ही पावरफुल, आसान और बेहतरीन वजीफ़ा या अमल बताएंगे इंशाअल्लाह, जिससे आपका मसला हल हो सकता है और आपकी परेशानी भी दूर हो सकती है, जिसके लिए आप इस वीडियो को आखिर तक पूरा देखना होगा क्योंकि वजीफ़ा या अमल करने में कोई दिक्कत या परेशानी ना आए। अज़ीज़ नाज़रीन, आज के इस वजीफ़े की खासियत यह है कि अगर कोई शख्स इम्तिहान में या किसी काम में कामयाबी ना होता हो, ख़ास तौर पर उनके लिए ये वजीफ़ा बहुत ही पावरफुल है। इम्तिहान को जाने से पहले या किसी काम शुरू करने से पहले इस वजीफ़े को कसरत और पाबंदी के साथ करें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा मिलेगा और कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इस वजीफ़ा या अमल के 5 शरायत लाजमी हैं, जैसे कि नंबर 1, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें। नंबर 2, दिल में कामयाबी की नीयत करें। नंबर 3, अपनी हाजत पर तवज्जो दें। नंबर 4, कसरत और पाबंदी के साथ वजीफ़ा या अमल करें। नंबर 5, गरीबों को कुछ सदक़ा खैरात तकसीम करें। अमल या वजीफ़ा करने का तरीक़ा यह है कि सबसे पहले 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, फिर स्क्रीन पर बताई हुई आयत शरीफ को 7 मरतबा पढ़ना है, फिर उसके बाद 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, यानी कि अव्वल और आखिर में 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, फिर स्क्रीन पर बताई हुई आयत शरीफ को 7 मरतबा पढ़ना है। इम्तिहान को जाने से पहले या किसी काम शुरू करने से पहले इस वजीफ़े को कसरत और पाबंदी के साथ करें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा मिलेगा और कामयाब ज़रूर होंगे। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सबसे शेयर करते रहें, क्योंकि इल्म और दीन की बातों को दूसरों तक पहुंचाना सदक़े जारिया है, जिससे हमें सवाब और नेकी कमाने का मुफ्त, आसान और बेहतरीन रास्ता है। और आज के इस वीडियो के बारे में आपकी कीमती राय को कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए। बस आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे और एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के बने रहिए हमारे मासम इस्लामिक क्रिएशंस यूट्यूब चैनल पर और देखते रहिए हमारे वीडियोस को। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, बस हमें दुआ में याद रखिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त के इस वीडियो को ख़त्म करने की, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वाखुरद्दाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।